दोस्तों, पार्ट वन में हमने सीखा था कि कैसे हम अपना खुद का मल्टी वैलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट पर या फिर मेटामास्क पर या फिर किसी दूसरे वैलेट ऐप पर। तो उसके बाद पार्ट टू में हमने सीखा था कि कैसे हमें एनएफटी मार्केट प्लेस पर अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करना है। और इसके बाद अब ये लास्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट थ्री, जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम खुद का एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद खुद का कैसे हम डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्री में, वो भी सिर्फ एक मिनट के अंदर में। और उसके बाद कैसे हम अपने खुद का जो एनएफटी डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं उसको कैसे हम अपलोड कर सकते हैं हमने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया है एनएफटी मार्केट प्लेस पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट अपना ओपन कर लेना है, उसके बाद ब्राउजर पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन सी सर्च कर लेना है। ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा, को ओपन सी ओपन यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ओपन सी आ जाएगा ऑप्शन में, आपको यहाँ पे ओपन सी पर क्लिक करना है। और उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, इस पे आपको क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है इसका पेज ओपन सी का ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको माई कलेक्शन पे क्लिक करना है और या प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, चेक कर लेना है आपका अकाउंट लॉगिन है या नहीं। अगर नहीं लॉगिन है उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं लॉगिन है तो आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है या फिर आप क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके बाद आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शो मोर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ट्रस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पे हम चले जाते हैं, प्रोफाइल में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी है। वीडियो बनाते टाइम मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं की थी, बाद में फिल की, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से जो है मैंने बाद में यहाँ पे फिल किया सारी डिटेल। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल फिल कर लेना है तो अपने प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है, तो सेम इसी तरीके से आपको फिल करके सबमिट कर देना है। तो उसके बाद और कलेक्शन भी बना लेना है सेम जैसे मैंने उसमें पिछली वीडियो यानी कि पार्ट टू में बताया था। इसके बाद अब आपका सारा यहाँ पे हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि खुद का डिजिटल आर्ट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए, तो हम चलते हैं टेलीग्राम पे। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। तो दोस्तों ये है एक एआई डिफ्यूज़न है, यानी कि एआई एक रोबोट है जो कि खुद डिजिटल आर्ट क्रिएट कर देता है। जो भी आपको आर्ट डिजिटल आर्ट क्रिएट करना है वो आपको सिर्फ लिख के यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जनरेट करके आपके पास भेज देगा, उसका डिजिटल आर्ट जो है ये क्रिएट कर देता है। तो आपको इसका जो लिंक, इसका जो बोर्ड का लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये एक एआई बोर्ड है, तो आपको करना क्या है, ये जो एआई है इसका आपको लिंक जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिखाएगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिख के भेजना है, प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे अब आपको इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे डॉग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉग ड्राइव अ कार, यानी मैं चाहता हूँ कि एक डॉग हो और वो एक कार को ड्राइव कर रहा हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब सेंड कर दिया। इसी तरीके से आपको लिख के यहाँ पे सेंड कर देना है, तो ये कुछ ही सेकंड में जो है एक डिजिटल आर्ट क्रिएट करके आपको सेंड कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिएट करके यहाँ भेज चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं एक डॉग है जो इसको ड्राइव कर रहा है, तो ये थोड़ा कम सही है। तो फिर से आपको लिख के भेजना है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आपको फिर से सेम चीज़ यहाँ पे लिख के इसी चीज़ को दोबारा से आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। जो भी आपको बेटर लगे, जो लगे आपको हाँ ये ठीक बना हुआ है, आपके हिसाब से बना हुआ है, तो उस चीज़ को जो है वो डिजिटल आर्ट आप जो है एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट प्लेस पर ओपन करके। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कार पे बैठा हुआ है लेकिन ये कार चला नहीं रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा डॉग चाहिए जो कि कार को ड्राइव कर रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था डॉग ड्राइव अ कार, तो ये कुछ इस तरीके से फोटो बना रहा था, तो शायद मैंने ही गलत लिखा था। तो मैंने बाद में क्या किया, यहाँ पे अ डॉग ड्राइविंग अ कार मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आ गई है, एक कार है जो कि ड्राइव कर रहा है कार को, एक डॉग है जो कि ड्राइव कर रहा है कार को। तो इस तरीके से जो भी आपको क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है और सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे कुछ ही सेकंड में ये खुद बना के जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। अब इसको आपको अपलोड कर देना है, जैसे कि अब मुझे ये आर्ट मिल गया है, ये डिज़ाइन करके एआई ने यहाँ पे भेज दिया, तो सेव टू गैलरी आपको कर लेना है। इसके बाद आपको ट्रस्ट वैलेट पे चले आना है। अब आपका अकाउंट यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक करना है उसके मेनू बटन पे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो आर्ट क्रिएट किया है वो आर्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे खुद का अपना जो है सेलेक्ट कर लिया है। तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे जो आपने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे नाम दे देना है, जो भी आपको नाम देना है। और इसके बाद नाम देने के बाद यहाँ पे साइट आप डाल सकते हो, अगर आप कोई साइट है, आपकी वेबसाइट है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि आर्ट में जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है उसमें क्या है। तो यहाँ पे ईगल है और एक सर्कल है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो अगर चाहते हो। और जो कलेक्शन मैंने क्रिएट करना बताया था, अगर आपने कलेक्शन बनाए हुए तो यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से यहाँ से कलेक्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ और जो लेवल्स है, स्टेट्स है, अनलॉकेबल कंटेंट है, इसलिए सेंसिटिव कंटेंट है, ये सारी चीज़ें उतना ही रहना है। और सप्लाई यहाँ पे एक रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1,000 या 1,00,000 जितना भी आपको सप्लाई देना है उतना आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ये उतने लोग बाय कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ही है, अगर किसी एक ने खरीद लिया तो इसके बाद ये सिर्फ एक ही बंदे के पास रहेगा। लेकिन अगर इसका जो कॉपी है आप यहाँ पे 1,000 नंबर डाल देते हैं तो 1,000 लोग इसको बाय करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो ब्लॉकचेन जो है मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपको पॉलीगॉन ही यूज़ करना है क्योंकि इसका फीस जो है काफ़ी कम है। इसके बाद आपको सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पे मोटरसाइकिल बोल रहा है तो आपको मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसमें भी आपको मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको वेट करना है और कुछ ही देर में जो है आपका NFT यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है NFT सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ गया यू क्रिएटेड लोगो, यू जस्ट क्रिएटेड लोगो। अब यहाँ पे NFT हो गया है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिस्ट फॉर सेल कर सकते हो, या अगर एडिट करना है आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, उसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो एडिट आइटम से जाके, और एडिट करना है तो यहीं से आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से डिटेल चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट यहाँ से भी कर सकते हो, वरना आप इस पर क्लिक करके थ्री पॉइंट पे उसके बाद सॉरी अकाउंट पे आपको क्लिक करके माई कलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका कलेक्शन रहेगा, उस कलेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से भी बाद में लिस्ट कर सकते हो, अगर आपको बाद में लिस्ट करना हुआ तो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब इसको इस पर क्लिक करना है आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट फॉर सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप कितने में इसे बेचना चाहते हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे सेट करना है। जैसे कि अगर आपको एक यहाँ पे एक मैटिक में आपको सेंड करना है, एक मैटिक का जो कि प्राइस अभी चल रहा है 0 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट जो है $1 के करीब चल रहा है, तो उस हिसाब से कर देना है। कितने दिन के लिए आप यहाँ पे सेल पे लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे लंबा यहाँ पे 6 महीने के लिए आपको लगा देना है। अगर 6 महीने के अंदर किसी को ये दिखता है, उसके बाद किसी को पसंद आ जाता है, तो वो आपका जो है ये बाई कर लेगा NFT। इसके बाद जो बाई करेगा, जो यहाँ पे अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट आपके वैलेट में आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर रिक्वेस्ट मांगेगा, तो आपको सिग्नेचर रिक्वेस्ट यहाँ पे दे देना है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपको साइन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे साइन का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड यूज़ किया है तो आपको पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं योर आइटम हैज़ बीन लिस्टेड, तो यहाँ पे कोई भी कैश फीस नहीं लगेगा आपका, डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। व्यू लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो आइटम है यहाँ पे 1 व्यू और 1 मैटिक की लिस्टिंग है। अगर कोई बाई करना चाहेगा तो यहाँ से जो है बाई कर सकता है, किसी को भी ये यहाँ पे आप शेयर कर दोगे यहाँ से तो कोई भी बाई कर सकता है इसको। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर किसी दूसरे का आपको बाई करना हुआ तो सेम वही प्रोसेस है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे उस पर जो आपको बाई करना है, जो NFT उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपल सा आपको पेमेंट करना है, साइन का मैसेज आएगा, साइन करना है, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा और NFT जो है बाई हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से आपको करना है। तो लगभग जो है आज हमने पूरा यहाँ पे टोटल जो है हम लोग समझ गए कि कैसे क्या करना है और कैसे डिजिटल आर्ट क्रिएट करना है, कैसे उसको NFT में कन्वर्ट करना है, यानी उसका NFT कैसे बनाना है, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सीखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद।